कंगना रनौत की बहु प्रशिक्षित फिल्म इमरजेंसी विवादों में फंस गई है, जिससे इसकी रिलीज टल गई है। सिख संगठनों ने फिल्म का विरोध करते हुए इसके बैन की मांग की है। इसके चलते सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया, जिसकी वजह से 6 सितंबर को होने वाली रिलीज टल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट से भी कंगना की फिल्म को कोई राहत नहीं मिली है, जिससे उनकी निराशा और बढ़ गई है। कंगना रनौत ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा, भारी मन से मैं यह घोषणा कर रही हूं कि मेरी निर्देशित फिल्म इमरजेंसी को पोस्टपोन किया जा रहा है। हम अभी भी सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। नई रिलीज डेट जल्द ही घोषित की जाएगी। आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद। फिल्म के सह निर्माता जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने सेंसर सर्टिफिकेट के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें सेंसर बोर्ड को सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। हालांकि अदालत ने इस पर कोई निर्णय नहीं दिया और कहा कि वे सेंसर बोर्ड को कोई ऐसा करने का निर्देश नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इससे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा। हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को 18 सितंबर तक इस मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है और बोर्ड को फटकार भी लगाई है। अब 19 सितंबर को इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले जबलपुर हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी। अब सबकी निगाहें 19 सितंबर पर टिकी है। अब अदालत का फैसला आएगा और अब यह तय होगा कि कंगना की इमरजेंसी कब रिलीज होगी।